हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ब्रेड कटलेट बनाऊंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसको एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए ब्रेड कटलेट बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इसको मैंने उबाल के छील लिया था। अब इसको अच्छे से मैश कर लूँगी सारे आलुओं को। आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहे, इसको अच्छे से मैश करना है। एक बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी, 8 से 12 बारीक कटे हुए लहसुन डालूंगी, 1 कटे हुए मिर्च डालूंगी, 1 चम्मच मैगी मसाला डाला है, 1/2 चम्मच काला नमक डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाला है, 1 चम्मच चाट मसाला डालूंगी, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, 1 चम्मच भुना हुआ धनिया और जीरा का पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच भुना हुआ सौंफ पाउडर डाला है। अब इन सब मसालों को आलुओं में अच्छे से मिक्स करूंगी। सारे आलुओं में मसाले लग जाना चाहिए, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। आलू का मसाला बनके तैयार हो गया है, बस इतना ही उसमें मिक्स करना है। अब इसमें मैंने 8 ब्रेड लिया है और इसको व्हाइट ब्रेड लिया है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड ले लोगे। मैंने इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। अभी मैं इसमें 1/2 ब्रेड ही डालूंगी, 1/2 बाद में डालूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ब्रेड को आलूओं में अच्छे से मिक्स करना है। मैंने इसमें पूरा ब्रेड अब डाल दिया है, अब इसमें पूरी तरह से मिक्स कर दूंगी। ब्रेड आलू में अच्छे से मिक्स हो गया है, बस इतना ही मिक्स करना है। अब इसकी मैं कटलेट बनाऊंगी। कटलेट आप किसी भी डिज़ाइन के बना सकते हैं, हार्ट शेप में, गोल शेप में या चौकोर शेप में। मैंने लंबे साइज में बनाए हैं इस तरह के। इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि तेल में डालने के बाद ये खुले नहीं, नहीं तो ये तेल में डालने के बाद खुल जाएगा। ये देखिए, कटलेट को जितना दबा दबा के बनाएंगे वो उतना सही रहेगा, नहीं तो तेल में डालने के बाद ये फैल जाएगा, खुल जाएगा सारा। तेल मेरा गरम हो रहा है, सारे कटलेट मैंने बना के रेडी कर लिया है एक प्लेट में। तेल अच्छा गरम हो गया है, अब मैं इसमें अपने कटलेट डालूंगी। कटलेट को दूर दूर डालना है, पास में बिल्कुल भी नहीं डालना है। मैंने सारे कटलेट तेल में डाल दिए हैं। इसको अलग अलग ही करना है ताकि ये जुड़े नहीं। इसको धीमी आंच में पकाना है, इसको अभी पलटाना नहीं है जब तक ये थोड़ा नीचे से पक नहीं जाता है। अब ये नीचे से पक गया है, इसको धीरे धीरे पलटाना है। ये देखिए पक गया है, अब इसको थोड़ा और पकाना है। इसको धीमी आँच में ही पकाना ताकि अंदर से कुरकुरा हो जाए। देखिए ये अच्छे से पक गया है, और देखिए ये अंदर से कितना फूला है, इसका मतलब ये अंदर से बिल्कुल पक गया है। इसको थोड़ा और पकाना है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसका तेल नीचे गिरने देंगे और अब इसको ऊपर निकाल लेंगे। इसी तरह अब बाकी बचे हुए कटलेट को भी तल लेंगे। इसको भी एक एक करके ही डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। इस कटलेट को मैंने टिक्की शेप में बनाया है। इनको सबको धीमी आंच में पकाना है, और जब ये थोड़ा नीचे से पक जाएगा तो इसको पलटा देंगे। अब इसको धीरे धीरे पलटाना है, इनको धीमी आंच में ही पकाना है, तभी अच्छे कुरकुरे होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए ये अच्छा पक गया है, इसको थोड़ा और पकाना है। देखिए फूल भी गया है अंदर से, कितना देखने में अच्छा लग रहा है। कटलेट को दोनों साइड से अच्छे से पकाना है, ऊपर नीचे से। इसको पलटाते रहना है ताकि जले नहीं और अच्छे से दोनों साइड से पक जाए।
ये अच्छे से पक गया है, देखिए। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसी तरह सारे कटलेट को बाहर निकाल लेना है। इसका तेल नीचे कर देना है ताकि सारा तेल नीचे गिर जाए। अब कटलेट बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितने कुरकुरे दिख रहे हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छे हैं। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।